हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस रियली वेरी गुड। और आज का टॉपिक जो होगा थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो मैंने इस टॉपिक को इसीलिए चुना है क्योंकि मुझे लगा इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज के जो दौर है, आज के जो वक्त है, आज के जो जनरेशन है, इस जनरेशन में मैं भी हूँ, तो मैंने भी कुछ ऐसे चीज़ें फेसेस किए हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि दूसरों को मैं आगाह कर सकती हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आज के जो टॉपिक होगा उसमें ना ही कोई ब्यूटी टिप्स है, ना ही कोई हेल्थ टिप्स है और ना ही कोई कुकिंग टिप्स है। इट्स टोटली अ डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कि आज के जो दिन में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इट्स स्प्रेडिंग लाइक हेल। इट्स नॉट रिड्यूसिंग, इट्स इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो पहला जो क्वेश्चन है, काफ़ी लोग मेरे थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते जो नए हैं यूट्यूब में मेरे चैनल पे। तो मैं कुछ दिनों तक टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम की थी एंड मॉडलिंग से भी रिलेटेड थी, फिर मैंने छोड़ा क्यों? क्वेश्चन नंबर वन, आई वॉज अर्निंग, मेरा एक रेगुलर ना हो लेकिन इनकम था, तो मैंने छोड़ा क्यों? दूसरी बात है, ये जो फेक कॉल्स आते हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, फेक ऑफर्स आते हैं, बाई फेक आई एम नॉट मीनिंग दैट आप अपना पैन नंबर दो, आपने इतना जीता, आपने इतना हारा, वो फेक बिल्कुल नहीं है, मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं फेक का मतलब ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो आजकल आए दिन तक बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत लड़कियों को ये मैसेजेस आते हैं, चाहे वो मॉडल हो या ना हो, क्या आप मॉडलिंग करोगे, क्या आप फ़ोटोशूट करोगे, क्या आप इस वीडियो इस एड शूट में काम करोगे, दिस दैट, काफ़ी ऑफर्स आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक ऑफर जो है वो गलत है, हर एक इंसान फ्रॉड है, आई एम नॉट टॉकिंग दैट, दे आर नॉट, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, तो यहाँ भी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अभी जो सिचुएशन है ये थोड़ा हिल चुका है, इट बिकेम वेरी कन्फ्यूजिंग। और तीसरा जो टॉपिक है, आप अपने आप को इस चीज़ से कैसे सेव कर सके हो। और चौथा, इज देयर कास्टिंग काउच। तो इस चार टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो पहला टॉपिक जो था मैं उससे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो पहले टॉपिक है इससे रिलेटेड सेकंड टॉपिक भी है। तो इससे पहले मैं पहले टॉपिक पे जाऊँ, जो सेकंड टॉपिक पे आना ही पड़ेगा। तो ऐसे फेक कॉल्स मुझे भी आए, फेक मैसेजेस मेरे पास भी आए एंड फेक ऑफर्स मेरे पास भी बहुत सारे आए। बट नाउ आई अंडरस्टूड, पहले मुझे समझ में नहीं आता था। पहले हम लोग जब नए नए होते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि फॉर वन शूट 20,000-30,000, ओ दैट्स गुड, मुझे तो एक महीना काम करके भी इतना ज़्यादा मिलेगा या नहीं, आई डोंट नो, तो चलो ऑफर मान ले। देन द डिमांड स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अगर आप एक बार हाँ बोल दो उसके बाद उनके डिमांड्स बढ़ते रहते हैं एंड देन यू डोंट नो हाउ टू कम आउट। तो मेरा पहला हिंट यही होगा कि कोई भी आपको ऑफर करे कि आप जिनको आप नहीं पहचानते हो, मैं उनकी बात बोल रही हूँ, अगर आपके पहचान में कोई आपको ऑफर करे दैट्स अ डिफरेंट इशू। और जनरली अगर वो फोटोग्राफर हो या कोई चैनल में काम करता हो दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो अगर आपको कोई ऐसे बोले कि मैं एक शूट के लिए 20,000 दूंगा या 30,000 दूंगा, एक दिन का शूट है, दो दिन का शूट है, पहले हाँ बिल्कुल मत कीजिए। पहले जानिए, उससे पूछिए डायरेक्टली, चाहे इससे आपको लगे कि आप उनसे रूडली बात करो, लेकिन जेन्युइनली पहले सब कुछ जानो कि आप कहाँ काम करते हो, किससे काम करते हो, कितने दिनों से काम करते हो, आपका कुछ काम दिखाओ। ये गया फर्स्ट टॉपिक। सेकेंडली, ये लोग बोलते, आजकल के जो जनरेशन है, इस जनरेशन में सच में मैं बोलूँ कि अच्छे जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अच्छे जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं कहीं ना कहीं वो लोग दिख नहीं रहे हैं। हाँ, जो लोग एक पोस्ट पे हैं दैट्स ओके, वो लोग यही को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जेन्युइनली थोड़ा सा लो है लेकिन ऊपर उठना चाहते हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, उन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, बिकॉज इतना ज़्यादा इस फ्रॉडनेस का, या फिर हर लोग एक कैमरा ख़रीद ले रहे हैं एंड देन दे बिकमिंग थोड़ा सा क्लिक कर रहे हैं एंड देन
दे आर ऑल फोटोग्राफर्स बिकॉज दे आर पेइंग मोर एंड बिकॉज जो अच्छे काम कर रहे हैं वो लोग कम पे कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये जो मनी रिलेटेड है तो सारे डाइवर्शन उस तरफ जा रहे हैं, गलत की तरफ, सही की तरफ नहीं. तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. थर्डली, एक नया ट्रेंड आया है, पहले ये लोग फ़ोन करेंगे, पहले आपको मैसेज करेंगे, इट्स अ वेरी अर्जेंट मैसेज, व्हाई यू नॉट रिप्लाइंग दिस दैट, ये सब बोलेंगे. देन ये लोग बोलेंगे, पहले ही उनका जो सवाल होता है, आप बोल शूट करते हो, आप न्यूड शूट करते हो, आप सेमी न्यूड शूट करते हो, दिस थिंग इफ एनी वन आस्क यू स्ट्रेट अवे से नो, स्ट्रेट अवे से नो आई डोंट डू. हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो जेन्युइनली इस तरीके शूट्स करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों का मेंटेलिटी ऐसा नहीं है. फोर्थली, अगर ये लोग आपको कहे कि आप कॉल पे बात कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो आप अपना नंबर डायरेक्टली मत दीजिए. आप ऐसा कोई नंबर दे दीजिए जिसमें आपसे बात तो हो पाए लेकिन आपको डिस्टर्ब ना कर पाए. लाइक एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर जिसमें आप कॉल रिसीव नहीं करते हो, जिस जो आपके फ़ोन पे है ही नहीं. और सबसे जो बड़ी बात है नाउ कास्टिंग काउच, बिकॉज सच में मैं बोल रही हूँ ये लोग किस किस्म के हैं आई डोंट नो, बट अगर आप एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो बी अवेयर ऑफ दिस. And is there casting couch? I think majority knows about it. Yes, there is. But you can save yourself if you don't accept that offer. तो मैंने आज तक कोई भी इस चीज़ से related काम को किया ही नहीं, तो मुझे इसका experience तो ज़्यादा मालूम नहीं है. लेकिन बदतमीज़ी बहुत face किया है, लेकिन उसमें भी I have succeeded through my luck. So finally my conclusion is, fake calls, fake messages, fake offers को accept बिल्कुल मत कीजिए. और अगर आपको कोई photographer या कोई भी इंसान, it's not about photographer, it's about कोई भी इंसान, अगर आपको बोले कि किसी भी shoot के बारे में या कुछ चीज़ के बारे में, तो पहले detail जानिए उसके background का, उसका उसके काम देखिए. And then, and one more thing, don't give any kind of bold shoot pictures to anyone if you do. ये सबको पता है फिर भी नहीं देना चाहिए. जो बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री में बिलोंग नहीं करते हैं, ये उस उन लड़कियों के लिए है. बिल्कुल भी मत दीजिए. पहले उनका काम देखिए, उनका जो लोगो होता है, फोटो जो बनाता है, फोटोग्राफर जो क्लिक करता है, उसका जो एडिटिंग होता है, उसमें एक लोगो आता है, उसका लोगो देखिए. एंड देन उसके जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, उसका अगर पेज होता है उसको अच्छे से जितना भी हो सके इन्फॉर्मेशन पहले ले लीजिए, देन यू स्टेप इन, अदरवाइज डोंट. तो एंड दूसरी जो बात है, यहाँ पे हम लोग मार खा जाता है जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि एक दिन का शूट होगा 20,000 या 30,000 या 40,000, दे गो टू 50,000 इवन. सो डोंट पुट योरसेल्फ इन दैट ट्रैप, क्योंकि अगर आप फंस गए तो निकलना बहुत, आपको पता भी नहीं होगा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है. और शायद आपको पता है अभी जो जो चीज़ें अभी घट रहा है, जो जो चीज़ें अभी हो रहा है. तो फाइनली मैं ये डिस्क्लोज करती हूँ कि क्यों मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा. इट्स नॉट अबाउट द ट्रोलिंग प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन, इट्स नॉट अबाउट कि मैं अपनी जो है काम से खुश नहीं थी, नॉट दैट. मैं ऐसे ही एक इंसान हूँ जो भी काम करती हूँ बहुत ही डेडिकेटेडली करना पसंद करती हूँ. अगर नहीं करना पसंद करती तो नहीं करती हूँ जो मैं अभी कर रही हूँ. ये इंडस्ट्री मुझे सच में बहुत प्यार था इस इंडस्ट्री से मुझे. मैंने अपने घर वालों से अगेंस्ट जाके इस इंडस्ट्री को चूज़ किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो इस इंडस्ट्री के जो गंदे चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है, इसको आपको पूरी तरीके से जो है लेना पड़ेगा अंदर. अगर आप इस मेंटेलिटी को मैच कर सकते हो
देन ओनली यू कैन स्टे इन दिस इंडस्ट्री. सो आई थॉट इट्स बेटर बैक ऑफ. दुनिया में बहुत सारे काम हैं, हम सब एजुकेटेड हैं, कुछ भी और कर लेंगे. चलो बहुत हुआ, क्योंकि इस तरीके से मेंटेलिटी अगर मैच ना हो, आप कितने दिनों तक अपने आप को बचा बचा के चलोगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस वॉज अ शॉर्ट टिप ऑन हाउ कैन यू सेव योर सेल्फ इन दिस रिडिक्यूलस वर्ल्ड. और फ्रॉडनेस अभी सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, बहुत सारे जगह पे हैं. जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम लोग ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो फोटोग्राफर्स भी फेस कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी गंदी चीज़ें, कुछ मॉडल्स के लिए भी. और ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगी इस टॉपिक पे इस वक्त एटलीस्ट. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये शायद मैंने सबके हित में बनाया है. तो शायद आपका एक शेयर काफ़ी जो लड़कियाँ फंस सकती है उनको रेस्क्यू कर सकता है. तो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. और शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा एक्चुअल क्या रीज़न है इस इंडस्ट्री से बैक आउट करने का. और इसे इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिएगा. एंड या मैं फिर से वापस आऊँगी एक दूसरे वीडियो के साथ. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या जानना है किस बारे में. अगर मेरे बस में होगा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में, या फिर मेरे पेज पे. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड या दिस वॉज माई शॉर्ट इन्फो अबाउट दिस ब्लैक वर्ल्ड. इससे ज़्यादा अच्छा नाम मुझे अभी सोचा नहीं. तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. लव यू ऑल.